कच्चे आलू से बनाए 5 मिनट में बहुत ही टेस्टी नाश्ता। अगर आपको कचौड़ी पकौड़ी खाना पसंद है तो ये नाश्ता आपके लिए ही है। कचौड़ी पकौड़ी से ज्यादा हेल्दी और ज्यादा टेस्टी बनेगा। आप इसे बच्चों के टिफिन के लिए बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल माँ की रसोई अंजू को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी बनने वाले नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 आलू को छीलकर आलू को कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के लिए मोटे वाले कद्दूकस का ही इस्तेमाल करें। अगर आप बारीक वाले से करेंगे तो आलू के लच्छे ज्यादा पतले हो जाएंगे। आलू को कद्दूकस करने के बाद इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लें। अगर आप ज्यादा टाइम पहले कस के रख रहे हैं तो इसे पानी में ही रहने दें, वरना आलू काले पड़ जाएंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 2 चुटकी हल्दी डालेंगे और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर पिसी हुई लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे। मैं यहाँ पर वीडियो ऑन करना भूल गई थी, इसमें 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर या चाट मसाला जरूर डालें। अब इसमें बाइंडिंग के लिए लिया है मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें यहाँ पर ना तो चावल का आटा चाहिए, ना अरारोट, ना मैदा। गेहूं के आटे से ही ये नाश्ता एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये 1/2 कप गेहूं का आटा डाल लिया है। अगर जरूरत लगेगी तो मैं थोड़ा आटा बाद में डालूंगी। अब आलू के लच्छे में आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी वगैरह डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। नमक डालने से वैसे भी आलू थोड़ा मॉइस्चर छोड़ेंगे। और इसमें मैंने ये 2 चम्मच आटा और मिक्स कर लिया है। इतने आटे में ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और देखिए ये इस तरह इकट्ठा सा होने लगे। बस इतना ही आटा डालना है। हमने जो यहाँ पर ये 1 कप आटा लिया था, इसमें से लगभग 3 चम्मच आटा बच गया है, तो इसे अलग रख देंगे। और नाश्ते का मिक्स हमारा यहाँ पर तैयार है, तो हाथ में हम थोड़ा सा तेल लगाकर इन्हें चिकना कर लेंगे। और अब ये थोड़ा सा मिश्रण हथेली पर इस तरह रखेंगे और इसे एकदम गोल बना लेंगे। इसे हमें थोड़ा पतला ही रखना है, तो मिश्रण उसी हिसाब से लें। अगर हम ज्यादा मोटे रखेंगे तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हथेली से इसे इस तरह दबाते हुए फैला लेंगे और इसके किनारों को थोड़ा सा इस तरह सही करके एकदम गोल बना लेंगे। इस तरह हम इसे टिक्की की शेप देंगे। और ये लीजिए, ये बनकर तैयार है। इसी तरह हम दूसरी बना लेते हैं। तो इसी तरह हम सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ये पैन गरम होने रख दिया है। हमें इन्हें शैलो फ्राई करना है, तो इसके लिए हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। जब तेल यहाँ पर गर्म हो जाएगा, इसमें हम एक एक करके जितनी टिक्की एक बार में आ सके उतनी हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर हम फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे, जिससे सारी टिक्कियों में एक सा कलर आ सके। और जब इनका कलर इस तरह थोड़ा सा सुनहरा हो जाएगा, इन्हें हम पलट देंगे और वापस से फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। अभी ये बीच में थोड़ी सी जगह और बची है, तो इसमें हम यहाँ पर 1 टिक्की और डाल देंगे। और सारी टिक्कियों को इस तरह अलटते पलटते हुए हल्का सुनहरी या क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और ये लीजिए, इनका हल्का कलर सुनहरा हो गया है और बहुत ही ज्यादा ये क्रिस्पी बनी है। तो अभी इन्हें हम पैन से अलग निकाल लेंगे। इस नाश्ते की सबसे खास बात ये है कि ये बिल्कुल भी तेल नहीं सोखते हैं। और आप देख सकते हैं इन्हें तलने के लिए तेल भी बहुत कम लगता है। ये बहुत कम तेल में अच्छी फ्राई हो जाती हैं। और ये लीजिए, हमारी बहुत ही टेस्टी आलू की टिक्की यहाँ पर बनकर तैयार है। इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। और देखिए, मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। अंदर से भी ये एकदम अच्छे से सिके हैं। गेहूं के आटे और आलू से ये नाश्ता बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। आप इस नाश्ते को स्नैक्स के रूप में या बच्चों के टिफिन के लिए बना सकते हैं। आप इसे सॉस के साथ या चटनी के साथ कैसे भी खाएं, सबके साथ खाने में ये बहुत अच्छे लगते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।